हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें। देखते हैं पहला प्रश्न। सकेवा किस राज्य के किरात खंबुराई समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सकेवा सिक्किम में मनाया जाता है। इसी के साथ सिक्किम का एक त्यौहार है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, सागा दावा, वो भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, तीजनबाई को 2019 में किस क्षेत्र के उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तीजनबाई छत्तीसगढ़ के पारंपरिक प्रदर्शन कला पिंडवानी से संबंधित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कला गायन लोक से। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है और वस्तुतः अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होता है, उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अनुकूली विकिरण। अगला प्रश्न है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पादित और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवर्ती के विकिरण का नाम बताइए जिसे चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग में किया जाता है। प्रकाश तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें, पराबैंगनी तरंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, गामा किरणें। अगला प्रश्न देखते हैं, मणिपुर का एक स्वदेशी खेल सांगोल कांगजेई वर्तमान में किस खेल के सम्मान है? क्रिकेट, बॉक्सिंग, पोलो, हॉकी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पोलो के सम्मान है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गोरी को 1191 में एक शासक ने हराया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौहान ने। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है और ये तापमान में वृद्धि के साथ में घटता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा हरी के नाम से प्रसिद्ध ने वर्ष 1978 में टेस्ट मैच खेलने की शुरुआत की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कपिल देव। कपिल देव को ही हरियाणा हरिकेन नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे लंबी सतत दीवार जो विश्व में दूसरे सबसे लंबी दीवार है के किले में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमलगढ़ किले में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक परपोषी एंटीजन के संपर्क में आता है जो जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है, तो परपोषी के शरीर में एंटीबॉडीज उत्पादित हो जाती हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षण के रूप में जाना जाता है। सक्रिय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, फवाद मिर्जा एक भारतीय हैं, उन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घुड़सवार। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निशी, अपतानी और बोकार जैसी भाषाएं व्यापक रूप से किस राज्य में बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही निशी, अपतानी, बोकर, मिसमी, डाफला, मीरी, ये सभी भाषाएं बोली जाती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 जून 2020 तक कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय भारत के कैबिनेट मंत्री के पास था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 जून 2020 तक हरसिमरत कौर बादल किस मंत्रालय के लिए भारत की केंद्रीय मंत्री थी? महिला एवं बाल विकास, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? दीनबंधु, लोकनायक, जननायक, देशबंधु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, लोकनायक। इसी के साथ देखते हैं दीनबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? सीएफ एंड्रयूज को, और देशबंधु की दी गई थी चित्रंजन दास को। अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों के जल का उपयोग बहुत अधिक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, भूमिगत। अगला प्रश्न देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 33 फाइलों की पहली वर्गीकृत लॉट को 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर 2015 को, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 530, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाली यात्रा किसका शाब्दिक अर्थ है? जो कि बाली की यात्रा, जो विशेष रूप से मैं बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कटक का एक त्यौहार है बाली की यात्रा, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठोस पदार्थों को उनके संघटक कणों में उपस्थित क्रम विन्यास के आधार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्रिस्टलीयकरण या फिर अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइजेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलोडन गरीबी, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विलोडन गरीब। अगला प्रश्न है, 30 जून 2020 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह कोश्यारी, और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों में एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित जिसे द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे और हेनरी के द्वारा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द सब्सटेंस एंड शैडो की आत्मकथाएं, द सब्सटेंस एंड शैडो ये दिलीप कुमार की आत्मकथा है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कर सुधार सरकार की कारादान और सार्वजनिक व्यय की नीतियों में सुधार से संबंधित जिन्हें सम्मिलित रूप से एक रूप में जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद, पेंटेला हरिकृष्णा और विदित गुजराती किस खेल से जुड़े हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, शतरंज से जुड़े हुए हैं, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। अगला प्रश्न है, ऐसी भूमि है जो 5 साल से अधिक सालों से उसर पड़ी है और सुधार कार्यों के माध्यम से उसे सुधारने के बाद खेती के काम में लाया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेती योग्य बंजर भूमि को, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी कविता सरोजनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? इन द फॉरेस्ट, माई डैड ड्रीम, द बनियान ट्री, आई लव सॉन्ग फ्रॉम द नॉर्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द बनियान ट्री सरोजनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की शुरुआत की थी जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया था
कि इसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है, हलीसक मूल रूप से कहाँ का एक समूह नृत्य है? ये गुजरात का एक समूह नृत्य, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीज का भंडार सुंदरगढ़ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ओडिशा। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3702, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3702 वर्ग किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार वाष्पशील तरल पदार्थों के घोल के लिए घोल के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब घोल में मौजूद उसके मोल अंश के समानुपाती होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, राउल्ट का नियम। अगला प्रश्न है, गैल्वेनिक सेल की अधिकतम कार्यशीलता प्राप्त करने के लिए आवेश से गुजरता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्क्रमणीय रूप से, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने किस साल में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1849 में, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ शुरू किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब से कब तक थी? 1951 से 1956 तक, हेरेडोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक जनजातीय लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड। बिरहोर नृत्य झारखंड का एक जनजातीय लोक नृत्य, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम महारत्न दर्जे के अंतर्गत आता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी दो दशक विदेश में रहने के बाद किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 में आए थे, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ में साझा करता है 4096 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम 106 किलोमीटर। ये थे सभी SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।